हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे ये टर्बन हेडबैंड बनाना। तो यहाँ पे जो मैंने फैब्रिक यूज़ करा है वो है साटन सिल्क। तो अभी इसके मेजरमेंट देखते हैं। तो यहाँ पे ये जो दो फैब्रिक है उनका मेजरमेंट है 28x47 सेंटीमीटर, और ये जो स्मॉल वाला है उसका है 28x17, एंड द इलास्टिक इज़ ऑफ 12 सेंटीमीटर्स। अभी आपको क्या करना है, आपको अपनी जो फैब्रिक है उनको सेंटर से ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ पे स्टिच लगाना है। तो आफ्टर स्टिचिंग आपको अपनी जो तीनों फैब्रिक है उनको फ्लिप आउट करना है। सो वंस योर फ्लिपिंग इज़ ओवर, अभी आपको क्या करना है, आपको अपनी जो फैब्रिक है उसको आयरन करना है, ताकि आपकी जो फैब्रिक में अगर कोई सलवट हो तो वह ना रहे। तो आपको अपनी तीनों फैब्रिक पे ऐसे ही आयरन करना है। सो वंस द आयरन इज़ डन, अभी आपको क्या करना है, आपका ये जो इलास्टिक होगा वो आपको स्मॉल वाले पीस के अंदर इंसर्ट करके उसके साइड्स को अच्छे से स्टिच करना है। तो स्टिच होने के बाद में अभी आपकी जो दो फैब्रिक है उनको आपको एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना है, आपको उनकी एक नॉट बनानी है। आपको एक फैब्रिक लेना और दूसरे में इंसर्ट करके एक नॉट टाइप का पैटर्न बनाना है। नेक्स्टली आपको क्या करना है, आपका ये जो फैब्रिक वाला पीस है जो छोटा वाला है उसको इसके अंदर इंसर्ट करके आपको एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना है, और ये जो साइड्स है उनको अच्छे से स्टिचिंग करना है। तो आपको दोनों साइड में ऐसे ही स्टिच करना है। तो वंस द स्टिचिंग इज़ डन, आपके जो हेडबैंड है वो कुछ इस टाइप का लगेगा।